बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, SQS Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। बेटियों की इज्जत को खतरा देख माँ को क्रोध आ गया तो उसने बंदूक उठा ली, फिर क्या था, फायरिंग भी कर दी। 3 ग्रामीण महिला इसमें घायल हो गई है। महिला का आरोप है कि उसने बेटियों की इज्जत की खातिर बंदूक उठाई थी, लेकिन गोली किसी को लगी नहीं। महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। मामला है फिरोजाबाद जनपद का। आपको बता दें कि जनपद के शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र के भंडारी निवासी धर्मवती पत्नी रामलखन का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व उसकी बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते थे, घर में घुसकर उत्पात मचाना चाहते थे। उसने मजबूरी में लाइसेंसी बंदूक उठा ली और फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें 3 ग्रामीण महिलाओं को गोली लग गई। महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। 2 दिन से थाने में बैठी महिला ने बेचैनी घबराहट की शिकायत की तो उसे पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला ने कहा है कि गोली उसने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए चलाई थी। आइए जानते हैं क्या बता रही है धर्मवती। किस गाँव की रहने वाली है? क्या हो गया था तुम्हारे गाँव में? कैसे बताए क्या हुआ क्या नहीं, पूरी कमाई बहुत बड़ी है। रोज गाली दे रहे थे, 4-5 लड़के हैं गाँव में बाजी में, रोज गंदी गंदी इतनी बेटी को गाली दे रहे थे। फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमने फायरिंग कर दी। अच्छा, आपके घर वालों ने फायरिंग की थी? मैंने की थी, घर वाले नहीं। आपने की थी? हाँ, घर वाले तो आलू के खेत। आप बंदूक चला लेती हैं? तो आपको पुलिस ने पकड़ लिया था क्या? पहुंच गई, उन लोगों ने कर दिया पुलिस को। कितने दिन से आप पुलिस के पास हैं? आज 3रा दिन है, यहीं पर रहेंगे इनके पास में। अच्छा, थाने में ही है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए firstbite.tv।